नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वशा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कल हमने कामायनी की कथा वस्तु देखी थी। कामायनी के लगभग 7 सर्गों की कथा हमने कल के वीडियो में देख ली थी। आज हम अगले सर्गों की कथा वस्तु संक्षिप्त में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए आगे की जो कथा वस्तु है वो शुरू करते हैं। श्रद्धा ने आवेश में आकर मनु के प्रति जो अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, मनु ने श्रद्धा को प्राप्त करने के बाद उसके मन में श्रद्धा के लिए अब कोई प्रेम लीनता नहीं रह गई थी। अब वह और भी कुछ प्राप्त करना चाहता था। श्रद्धा के शरीर में गर्भ के कारण बदलाव आ रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह अकेली पड़ गई थी। जैसे तैसे वह दिन काट रही थी। मनु का मन नए नए जो लालसाओं को जन्म दे रहा था, उसे यह जीवन बंदी सा लग रहा था। श्रद्धा के प्रति पहले जैसा प्रेम, आकर्षण, उत्साह अब उसके मन में नहीं रह गया था। श्रद्धा कभी जो शालियाँ बीनती थी तो कभी बीजों का संग्रह करती थी अपना अकेलापन दूर करने के लिए। घर पर बैठकर वह अकेली ही अपना दिन काट रही थी और मनु जंगल शिकार करने के लिए जाते थे। एक दिन मनु जब घर पर जंगल से शिकार करके लौट आए थे, तब उनके हाथ में एक हरिन था जिसकी उसने शिकार की थी। मनु और श्रद्धा के बीच पशु हिंसा को लेकर हमेशा झगड़ा होता था। श्रद्धा को पशु को मारना स्वीकार नहीं था। उन्हें लगता था कि उसको मारना नहीं चाहिए, उसको पालना चाहिए। मनु सिर्फ श्रद्धा की आँखों में अपने प्रेम को देखना चाहता था। श्रद्धा को कहता है कि तुम्हारा सारा प्रेम मुझे दे दो, अन्य किसी को नहीं। श्रद्धा उसे हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है और समझाती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शिशु के लिए थोड़ा वियोग तो सहना ही पड़ेगा, इस पर प्रेम विभाजन कैसा हो सकता है? मनु बात को समझ नहीं पाता और कहता है कि मैं अकेला ही तुम्हारे प्रेम का अधिकारी हूँ, ना ही कोई पशु ना ही कोई प्राणी इसमें तुम्हारे प्रेम का अधिकारी है। इसलिए मैं अकेला ही प्रेम का अधिकारी हूँ। तुम सिर्फ मुझसे प्रेम करो और यदि तुम मुझे अखंड प्रेम नहीं दे सकती तो मैं हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चला जा रहा हूँ। और मनु श्रद्धा से नाराज होकर वहाँ से, यानी उस गुहा से चला जाता है। आगे का जो सर्ग है ईड़ा, श्रद्धा को छोड़कर मनु चला तो जाता है लेकिन कहाँ जाना है उसका पता नहीं है। यानी लक्ष्यहीन होकर इधर उधर वो घूमता रहता है, जंगलों पहाड़ों में घूमता है। घूमते घूमते सारस्वत प्रदेश में जा पहुंचता है। वहाँ विश्राम करते समय उनके मन में जीवन के संबंध में अनेकों विचार आते हैं। संसार और मनुष्य के बारे में वह विचार करता है। तब उन्हें एहसास होता है कि श्रद्धा को छोड़कर उसने अच्छा नहीं किया। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए। अकर्मण्य मनुष्य स्वयं भी भयभीत रहता है और दूसरों को, यानी संसार को भी भयभीत करता है। मनु ने कभी किसी पर दया नहीं की थी। श्रद्धा की ममता को उसने तोड़ा था और हमेशा स्वार्थ में वह लीन रहता था। वह चाहता था कि श्रद्धा सिर्फ उससे प्यार करे। उसका कहना था कि उसके गर्भ में जो शिशु है तो वह उससे भी प्यार न करे, सिर्फ मनु से प्यार करे। इसीलिए वह श्रद्धा से रूठकर चला तो आया था लेकिन अब उसे श्रद्धा का एहसास होने लगा था। सबको कष्ट ही देता आया था और किसी को भी प्रसन्न नहीं रख सका था। इसके कारण आज तक वह सफल नहीं हो पाया है, ऐसा वह कह रहा है। मनु इसमें देव और असुर के संघर्ष का भी स्मरण करता है। सुर और असुर का संघर्ष का जो संघर्ष रहा है, वैसा ही संघर्ष मनु के भीतर चल रहा है। मनु को श्रद्धा की याद भी आती है। काम एक बार फिर उनके स्वप्न में आकर उन्हें सुख और दुख के बारे में अवगत कराता है और काम मनु को शाप देता है कि तुम सदैव द्वेष, कलह, स्वार्थपरकता और निराशा से अभिभूत रहोगे तथा अज्ञान और अंधकार में डूबे रहोगे। हमेशा संघर्षरत रहना पड़ेगा तुम्हें। मनु ने जब काम की यह शाप ध्वनि सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। कुछ क्षणों के बाद जब उनकी नींद खुलती है, उनकी नींद खुलने के बाद उनके आँखों के सामने एक सुंदर रमणी युवती दिखाई देती है। जब उसका परिचय मनु ने पूछा तो पता चलता है कि वह सारस्वत प्रदेश की रानी थी। उसका नाम ईड़ा है। उसके सौंदर्य का वर्णन भी कवि ने इसमें किया हुआ है। ईड़ा ने मनु को अपने आश्रय में रहने के लिए आमंत्रित कर दिया और सारस्वत प्रदेश के पुनर्निर्माण करने के लिए सहायता मांगी। मनु ईड़ा के जो
निमंत्रण को स्वीकार करता है और सारस्वत प्रदेश को पुनः बसाने के लिए प्रयत्न करता है। आगे का स्वप्न। मनु के चले जाने के बाद श्रद्धा की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है, जीवन जीने की लालसा भी कम हो जाती है, उसके लिए जीवन भार सा लगने लगता है, वह उपेक्षा और विरह वेदना में डूब जाती है। एक दिन वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगती है, उसके जीवन में सुख अधिक है या दुख अधिक है। जो यादें आती है वह कुछ क्षण के बाद चली जाती है, उसने अपने बीते जीवन की याद भी वह आती है। उसका मन कहता है कि कामायनी यानी कामायनी अर्थात श्रद्धा, तू प्रतिदान क्यों नहीं चाहती, प्रेम में तो प्रतिदान ही प्रधान होता है। उसका मन सोचते हुए कुंठित हो जाता है और आँखों में से आंसू निकल आते हैं। उस वक्त उसके जो आँखों से आंसू निकल रहे हैं और कानों पर एक ध्वनि सुनाई देती है माँ, वह आवाज़ सुनकर व्याकुल हो जाती है। अपने पुत्र अर्थात मानव की आवाज़ सुनकर उसे अपने आंचल में भरने के लिए वह दौड़ती है। माँ पुत्र का प्रेम यहाँ वर्णित किया है कवि ने। जब श्रद्धा अर्ध निद्रा में थी तब उसे एक स्वप्न आता है कि सपने में मनु ने एक नगर बसाया है, सब लोग उनका साथ दे रहे हैं, फसलें उग रही है, खेती हो रही है, सब सुख सुविधाएं एकत्रित किए जा रहे हैं, सभी प्राणी एकत्रित होकर परिश्रम कर रहे हैं, अर्थात संपूर्ण नगरी धन धान्य से संपन्न दिखाई दे रही है। श्रद्धा अपने आप को एक विचित्र स्थान पर पाती है, वह चकित होकर चारों ओर देख रही है। नगर के सिंह द्वार से भीतर वह घुसती है। नगर में सभी महल ऊंचे ऊंचे बताए गए हैं, सिर्फ उसमें से एक महल सोने के कलशों से सुशोभित है। वहाँ प्रेमी युगल अपने में मग्न है। दूसरी ओर एक नवीन मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए मनु दिखाई दे रहे हैं। ईड़ा उसे मदिरा पिला रही है किंतु मनु उसे पीकर तृप्त नहीं हो रहे हैं। मनु पीते पीते बोलते हैं कि अभी कुछ और क्या करना है। ईड़ा कहती कि अभी बहुत सारा कर्म बाकी है। मनु ने ठीक है ऐसा कहा और आगे कहते हैं कि नगर तो बस जाता है लेकिन मानस अभी सुना है, वह तुम्हें पाकर ही शांत रहेगा। अर्थात वह ईड़ा को पाना चाहता है। ईड़ा चौंक जाती है, तुम यह क्या कर रहे हो, मनु से अपनी रानी कहता है और ईड़ा को जबरदस्ती आलिंगन बद्ध करना चाहता है, करता भी है। मनु के इस अत्याचार से प्रकृति क्रोधित हो जाती है, पृथ्वी कांपने लगती है, आकाश गर्जना करने लगता है। प्रजा तो संतान के समान होती है, आज मनु ने अपनी ही पुत्री के साथ अत्याचार करने पर वह तुला है, इससे देवी प्रकोप होता है, देवी शक्तियाँ क्रोधित हो उठती है, जिससे भयग्रस्त होकर प्रजा शरण मांगने के लिए राजद्वार पर आती है। लोग भयंकर कोलाहल करने लगते हैं। ईड़ा ये सब देखकर वहाँ से चली गई है और मनु भी भयभीत होकर सोने के लिए चला गया। मनु को लगा कि यह सारा उत्पात ईड़ा ने ही मचा रखा है, ईड़ा ने ही खड़ा किया है। यह श्रद्धा का स्वप्न था और जो श्रद्धा स्वप्न देखती है असल में वह स्वप्न सत्य हो जाता है। अगला सर्ग है संघर्ष। श्रद्धा ने जो स्वप्न देखा था वह सत्य हो जाता है। मनु सोचता है कि मैंने आज बुद्धि के बल से लोगों को संगठित तो किया और सुखी भी बनाया, किंतु ये लोग आज विद्रोह कर रहे हैं। मनु अपने बनाए शासन के नियमों में नियमबद्ध रहना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि जब वे श्रद्धा के ममता के पाश को तोड़कर भाग आए और ईड़ा के अनुशासन को वे कैसे रह सकते हैं, अर्थात वह ईड़ा के अनुशासन में रहना नहीं चाहते थे। इस संसार में हर कोई स्वतंत्र है, परिवर्तनशील है और परिवर्तन संसार का नियम है। ईड़ा के सामने आने पर वे अपने विचार चक्र से बाहर आ जाते हैं। ईड़ा मनु को समझाती है कि तुम यहाँ के राजा हो लेकिन जिस तरह तुमने नियमों का निर्माण किया है उसी तरह तुम्हें अपने नियमों का पालन भी करना चाहिए। प्रजा के हित में राजा की शक्ति निहित होती है। मनु अपने शासक होने का उपभोग करना चाहता है। उनके विचार से उपभोग्य वस्तुओं का उपभोग करना ही चाहिए, तो ये देवीय प्रकोप से नहीं डरता। ईड़ा ने उन्हें समझाया कि इस तरह अनाचार मत करो, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। प्रजा शरण मांगने आई है, मनु ईड़ा को पाना चाहता है, उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता। ईड़ा उसे अपने भूल को सुधारने के लिए कहती है। ईड़ा मनु को समझाकर द्वार की ओर चली जाती है। मनु उसे आलिंगन में जकड़ लेता है। उसी समय सिंह द्वार जो तोड़कर जनता भीतर घुस जाती है। उस जनता के नेता अकुली और किलात नामक राक्षस है। मनु ने उनकी भत्सना
की है। अंत में युद्ध हो जाता है, युद्ध में कितने लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं और कितने ही लोग आहत हो जाते हैं। मनु उसमें मरणासन होकर धराशायी हो जाते हैं। अगला सर्ग है निर्वेद। युद्ध के संघर्ष के बाद संपूर्ण सारस्वत नगर दुखी हो जाता है। ईड़ा को लगता है कि यह आदमी कितना क्रूर, इसने अपने उपकार का मूल्य चुकाया है, इसने मेरे विश्वास को तोड़ा है। अच्छा ही हुआ इसे उचित दंड मिला, वह मुझसे प्रेम नहीं करता था। उसी समय श्रद्धा वहाँ आती है और पूछती है कि यहाँ का निवासी कौन है और यहाँ का निवासी कहाँ है। श्रद्धा के साथ उसका पुत्र मानव भी था। श्रद्धा ने देखा कि मनु घायल होकर पड़ा हुआ है। श्रद्धा ने उसे पहचान लिया है और अपना कोमल हाथ उसके ऊपर से वह घुमाती है। मानव पिता को पाकर बहुत आनंदित होता है। श्रद्धा और मनु का मिलन होता है। मनु अपने पुत्र को पाकर आनंदित होता है। वे निर्वेद से दब जाता है और श्रद्धा को कहता है कि तुमने मुझे जीवन का रहस्य बता दिया है। जब प्रभात की पहली किरण से उसकी आंखें खुलती है, श्रद्धा की प्यार भरी दृष्टि देकर ईड़ा वहाँ से चली जाती है। मनु श्रद्धा को दूर चलने के लिए कहता है। श्रद्धा उसे स्वस्थ होने के लिए कहती है। मनु श्रद्धा को अपने कर्म की क्षमा मांगता है। वह कहता है कि मैं बड़ा पापी हूँ, अब तक तुमने मुझे जो बहुत प्यार दिया लेकिन मैं अपने स्वार्थ में लीन रहा, तुम्हारा प्रेम नहीं समझ सका। मनु की कामना है कि श्रद्धा और मानव खुश रहे। और प्रांत काल में मनु सबको सोते हुए छोड़कर दोबारा भाग जाते हैं। अगला जो सर्ग है दर्शन। श्रद्धा निराश होकर सारस्वत नदी के तट पर बैठी हुई है। मानव को समझाने लगी है कि जीवन कितना सुंदर है, वह संपूर्ण विश्व सुखद शांति से भरा हुआ है। श्रद्धा के पीछे ईड़ा यह सुन रही है। ईड़ा को वह कहती है कि मेरे प्रवासी पति को तुमने शरण दी थी, मेरे पति ने अपराध किया था, मेरे पास ममता के सिवा कुछ नहीं है, मैं क्षमा पाती हूँ। ईड़ा कहती कि नहीं, अपराध तो मनुष्य से होता है, स्त्री से भी होता है, पुरुष से भी होता है। दुख इस बात का है कि व्यक्ति अपने अपराधों को कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने जो मनुष्य को बुद्धि का जो वरदान दिए हैं, यानी बुद्धि वरदान स्वरूप दिए हैं, किंतु वे उसका दुरुपयोग करते हैं, अपने कर्तव्य को भूलकर ईर्ष्या वैमनस्य में जलते रहते हैं। जो नियम बनाते हैं वही नियमों को तोड़ते हैं। मनुष्य को विनाश से कैसे रोका जा सकता है, इसका भय चारों तरफ फैल गया है। श्रद्धा ईड़ा को कहती कि तुम जनता की चिंता करते हो, तुम्हें हृदय नहीं मिला है, यह कुमार मानव ले लो, तुम तर्कशील हो और यह श्रद्धाशील है, दोनों साथ मिलकर कर्म करो, संसार के संकटों को दूर करो, जीवन को सच्चिदानंद के रूप में समझाना चाहिए। ईड़ा कुमार को अपना लेती है और दोनों चले जाते हैं। श्रद्धा मनु की खोज में निकल जाती है। सारस्वत नदी के किनारे किनारे चले जाने के बाद उसने मनु को एक गुफा के पास देखा। मनु को जब पता चलता है कि श्रद्धा ने मानव को ईड़ा के पास छोड़ा है तो वह दुखी हो जाता है। श्रद्धा मनु को समझाती है कि तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, त्याग ही उपलब्धि का कारण होता है, अब हम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मनु को अपनी भूल समझ आती है, मनु को आनंद का दर्शन होने लगता है। उसी समय अंधेरे में भगवान शिव का प्रभापुंज दिखाई पड़ता है। श्रद्धा के सहारे वे शिव के चरणों तक जाना चाहते हैं, जहाँ पहुंचकर सभी पाप पुण्य पावन होते हैं और सभी तरफ आनंद ही आनंद व्याप्त होता है। अगला सर्ग है रहस्य। मनु के कहने पर श्रद्धा उसे वहाँ लेकर चलती है। हिमालय की बहुत ही ऊंची चोटी की तरफ वे चढ़े जा रहे थे। श्रद्धा मनु को एक समतल भूमि पर लेकर आती है। उनके सामने आलोक बिंदु दिखाई पड़ते हैं। श्रद्धा उनका रहस्य स्पष्ट करती है। वह आलोक बिंदु अर्थात इच्छा, कर्म और ज्ञान थे। मनु को यह देश बहुत पसंद आता है। यह श्याम देश कौन सा है, इसका रहस्य समझाने के लिए श्रद्धा को कहता है। वह देश श्यामल कर्मलेश का है और वही सबको कर्म में मग्न रखता है। यहाँ सब लोग यंत्र की भांति कर्म में लीन रहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भावना से ओतप्रोत है। जिज्ञासा वश तृष्णा एवं महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित संघर्ष में मग्न लीन रहते हैं। कर्म संस्कार की प्राणियों के सतत आवागमन के कारण बनते हैं। वे कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। मनु उसे रोकने के लिए कहता है, यह जो श्यामल कुंजीभूत है और रजत यानी चांदी के समान उज्जवल दिख रहा है, वह कौन है। श्रद्धा उसे उसका भी रहस्य बताती है। हे प्रियतम, यह ज्ञान लोक है, यहाँ बुद्धि का
चक्र चलता रहता है और तर्क से चलता है। सभी सुख दुख से उदासीन है, यहाँ सब तरफ न्याय और तप में लीन रहते हैं। शास्त्र ज्ञान का अनुसरण करने वाले, इच्छाओं का हनन करने वाले ये पापों से संशय कित रहते हैं। इस प्रकार इच्छा कर्म और ज्ञान के लोक है, यहाँ का जीवन विडंबना से व्याप्त रहता है, सुख से वंचित रहता है। श्रद्धा कहते हैं कि हास्य की ज्योति जो श्रद्धा के रूप पर छा जाती है, जो तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है, सब मिलकर एकाकार हो जाते हैं। शिव का तांडव नृत्य आरंभ होता है, जिसे देखकर श्रद्धा और मनु अपने में मग्न हो जाते हैं। अंतिम जो स्वर्ग है आनंद, कैलाश मानसरोवर की पुण्य भूमि की ओर चले जाते हैं, तो ईड़ा और मनु कुमार भी उससे आकर मिलते हैं। उसके साथ जो धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला नंदी वृषभ भी आता है। मनु मुस्कुराकर कहता है कि यहाँ कोई पराया नहीं है, हम सब लोग ब्रह्ममय हैं। उस वक्त कामायनी अर्थात श्रद्धा के चेहरे पर स्मित रेखा दौड़ आती है, जिसमें प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती है। वातावरण में जो सुगंधित वायु बहने लगती है, प्रकृति में सर्वत्र आनंद सा छा जाता है और मानस की समस्त प्रकृति हंसने लगती है। भेदभाव जो भुलाकर सब खुशी से रह रहे हैं, अर्थात अखंड आनंद छा गया है। हिमालय पर सब अब मंगलमय हो गया है। यहाँ पर ये अंतिम जो स्वर्ग आनंद है समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही कामायनी की जो कथा वस्तु है, यानी संक्षिप्त में 15 स्वर्गों की कथा वस्तु हमने देख ली है। ठीक है, धन्यवाद।